देख रहे हैं दखल न्यूज। आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम रिमांड पर, देर रात सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। पहला राफेल विमान 20 सितंबर को होगा वतन के हवाले, बढ़ेगी भारतीय सैन्य शक्ति। एमपी के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल बर्बाद, शिवराज सिंह ने कहा सरकार तत्काल दे मुआवजा। टेरर फंडिंग के मामले में सतना से 5 लोग गिरफ्तार, आईएसआई की मदद करने का है आरोप। और बीजेपी नेता रमन सिंह के बेटे अभिषेक की मुश्किलें बढ़ी, एक साथ दर्ज हुई 5 एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई की अदालत में पेश किया गया। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 26 अगस्त तक के लिए चिदंबरम को सीबीआई की रिमांड पर सौंप दिया है। अदालत ने पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई रिमांड पर दिया है। इससे पहले सीबीआई की टीम चिदंबरम को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। सुनवाई की शुरुआत करते हुए सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने इस दौरान बताया कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से एफडीआई वसूल की है, जो कि एफआईपीवी के नियमों का उल्लंघन है। चिदंबरम की वजह से आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा, जिसके बाद कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया है। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि लगभग $5 मिलियन कीर्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया। सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया कि पी चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया है। तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन जानबूझकर सवालों को टालना गलत है। सीबीआई ने अदालत से पी चिदंबरम की रिमांड पूछताछ करने के लिए मांगी है। सीबीआई इन 5 दिनों में पी चिदंबरम और अन्य गवाहों को आमने सामने रख के मिलवाएगी। बुधवार रात सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय में रखा गया और उनसे पूछताछ की जा रही थी। बुधवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की हर संभव कोशिश की और इसके लिए वह करीब 27 घंटे तक भूमिगत भी रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने में देरी होने और कानून के डर से भूमिगत होने के आरोपों को चलते चिदंबरम मीडिया के सामने आए और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई की गिरफ्तार करने के बाद भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि द्वेष भावना के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने यह कदम उठाया है और सीबीआई जैसी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर युवक कांग्रेस ने भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है वो गलत है। बीजेपी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, इसके चलते पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वेष भावना से इन सब कार्रवाइयों को अंजाम दिलवा रहे हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनको सीबीआई अधिकारी के साथ रात भर रहना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। कानून ने उस समय काम किया, अब आपके पास सत्ता है, पावर है, ताकत है, तो ये ताकत का दुरुपयोग है, विरोध उसी बात का है। अमित शाह अपनी व्यवस्था, अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। उनके साथ जो काम हुआ था वो सोच रहे हैं कि उसका मैं बदला लूं। एक मैसेज है, एक संदेश है कि हमारे लिए जो आवाज उठाएगा सत्ता से, जो प्रश्न पूछेगा उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। ये एक संदेश है पूरे देश भर में कि प्रश्न मत पूछो, सवाल मत पूछो, ईडी ऐसे ही परेशान करेगी और जेल में डालेगी। जिस राफेल विमान खरीदी को कांग्रेस ने लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया, वही राफेल विमान आखिरकार भारत आने को तैयार है। देश की सेना को पहला राफेल विमान 20 सितंबर को मिल जाएगा। इस फाइटर जेट को लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ स्वयं फ्रांस जाएंगे। फ्रांस से मिलने वाले राफेल युद्धक विमानों के 2 स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। इन 36 राफेल विमानों में से पहला विमान भारत को आगामी 20 सितंबर को मिलेगा। रक्षा अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हरियाणा स्थित अंबाला वायुसेना के हवाई अड्डे पर पहले से जगुआर युद्धक विमान तैनात हैं। आने वाले समय में यहां करीब 18 राफेल विमान भी तैनात किए जाएंगे।
इसी तरह भूटान सीमा के नजदीक स्थित पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर इतने ही राफेल विमानों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक राफेल विमान लाने के लिए रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा दल सितंबर के तीसरे हफ्ते में फ्रांस भेज रही है। फ्रेंच कंपनी दासो के बने राफेल विमान की निर्माण इकाई बोर्डेक्स के करीब स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को पहला राफेल विमान यहीं सौंपा जाएगा। शेष राफेल युद्धक विमान अगले साल मई में भारत आना शुरू हो जाएंगे। भारतीय राफेल विमान में भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे कई विशेष शस्त्रों और उपकरणों से लैस किया गया है। भारतीय पायलटों की छोटी छोटी टुकड़ियों को राफेल विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगले साल मई में भारतीय वायुसेना 24 पायलटों को 3 अलग अलग बैचों में प्रशिक्षित करेगी। बारिश के कारण कई इलाकों में सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है और किसान परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल बर्बादी का जायजा लिया और कमलनाथ सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। शिवराज सिंह ने कहा कि अगर बातचीत से यह मसला हल नहीं हुआ तो वो किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। भोपाल से इंदौर के रास्ते में अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जायजा लिया। कई जगह किसानों ने उन्हें अपनी बर्बाद हुई फसलें सौंपी और ज्ञापन भी दिए। देवास जिले के किसानों ने शिवराज सिंह से कहा कि सरकार और अधिकारी कोई उनकी सुन नहीं रहा, ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए। शिवराज ने कहा कि किसान परेशान हो रहे हैं, सोयाबीन में अफलन हो गया है, फली नहीं लगी है, फसल बर्बाद हो रही है तो किसान भी बर्बाद हो रहा है। किसान की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं प्रशासन से बात करूंगा कि वह यह खबर ऊपर तक पहुंचा दें और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए, राहत राशि दी जाए। अगर बातचीत से कुछ नहीं हुआ तो किसानों के साथ सड़कों पर उतर जाऊंगा। हमारे ऐसे किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। आज मुझे फसल भी सौंपी है, ज्ञापन भी सौंपा है, कम से कम जो फसल का नुकसान हुआ है उसका ये ढंग से सर्वे करवाए, राहत की राशि दे और बीमे की राशि दिलवाए। किसानों की जायज बात की, जायज मांग का मैं समर्थन कर रहा हूं। पहले हम चर्चा और बातचीत करेंगे और चर्चे से अगर प्रशासन और सरकार नहीं मानी तो किसानों की लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे। किसानों को बर्बादी के कगार पर हम अकेला नहीं छोड़ सकते। शिवराज सिंह ने कहा कि हमारी सरकार रहते मैंने देवास जिले में एक बार सोयाबीन की फसल के नुकसान होने पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में डलवाए थे। सूखा, पाला, ओला, अफलन सभी पर समय पर पैसा किसानों को मिल जाया करता था। ये संवेदनहीन सरकार है। मुख्यमंत्री तो दूर खेतों में अफसर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पता नहीं है, मंत्रियों को कुछ पता नहीं है। ये अन्याय की अति है और जुर्म की पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ 5 FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चिटफंड कंपनी में निवेशकों से ठगी के मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बेटे व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और राजनांदगांव के पूर्व महापौर व पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के खिलाफ 5 अलग अलग शिकायतों पर गुरुवार को पुलिस ने FIR दर्ज की। अनमोल इंडिया कंपनी से जुड़े मामले में अभिषेक सिंह व महापौर मधुसूदन यादव समेत कुछ और के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने FIR दर्ज की है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ 5 अलग अलग लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर समेत अन्य जिलों में भी पूर्व में इस मामले में अभिषेक सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने बतौर प्रमोटर काम करते हुए लोगों को उक्त चिटफंड कंपनी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। लोग झांसे में आ गए और कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निवेशकों से करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले सतना के सुहास गांव निवासी बलराम सिंह को सतना पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। बलराम सिंह जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने बलराम के साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए भागवेंद्र सिंह, सुनील सिंह, शुभम तिवारी से टेरर फंडिंग को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इन लोगों के बारे में जानकारी लगी थी कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं। उसके बाद दबिश देकर इन्हें पकड़ा गया। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से स्मार्ट मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है जिसमें 17 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिनके माध्यम से ये लोग आतंकियों के फंड मैनेजर से वीडियो कॉलिंग, मैसेंजर कॉल और व्हाट्सएप चैटिंग किया करते थे। सतना पुलिस ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। बताया जा रहा है कि बलराम सिंह को पहले 2016 में एक मामले में जेल भेजा गया था। वो जमानत पर बाहर आया था और ये काम करने लगा। उसके पास से मोबाइल सहित कई सामान और भी बरामद किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि वो इन्हीं मोबाइल से पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से बात करता था, फिर बैंक खातों में पैसा जमा कराकर उसे आतंकियों तक पहुंचाया जाता था। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर्ज माफी के प्रारूप को बदलने पर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार यू टर्न वाली सरकार है जो बार बार अपने वादों से मुकर रही है। यह सरकार धोखा देने वाली सरकार है।
मिश्रा ने कहा कि 10 दिन में किसान का 2-2 लाख माफ नहीं होने पर मुख्यमंत्री बदलने की बात कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाए, लेकिन खुद जरूर बदल गए। कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी के प्रारूप को बदलने को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि झूठ बोलने वाली सरकार है। सरकार ने ना तो किसानों का कर्ज माफ किया, ना ही बेरोजगारों को भत्ता दिया। कांग्रेस सरकार यू टर्न वाली सरकार है, जो बार बार अपने वादों से मुकर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कर्ज माफ 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बदल सके, कांग्रेस अध्यक्ष खुद जरूर बदल गए। नरोत्तम ने कहा, यह सरकार धोखा देने वाली सरकार है। सरकार ने ना तो जवानों की छुट्टी का वादा निभाया और ना ही बिटिया को स्कूटी देने का वादा। किसानों के 2,000-5,000 के कर्ज माफ किए गए हैं। किसानों के साथ धोखा किया गया है। किसी का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ। ये इस तरह से किसान को भ्रम में रखकर के समय को बढ़ा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर 2 लाख का सभी किसानों का माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल गए। कमाल के मुख्यमंत्री हमारे वो तो नहीं बदले, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए। आज तक एक का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ। तब मैंने उस समय कहा था कि किसी का अगर 2 लाख हो तो मैं और 2 लाख दे दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी ने वादा कुछ किया और आदेश कुछ और निकला। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल में शिक्षकों के ट्रांसफर होने से नाराज स्कूली छात्र छात्राओं ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों के ट्रांसफर होने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके बाद शिक्षा विभाग अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और शिक्षक का ट्रांसफर न करने का आदेश जारी किया। हरदा के मगरदा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों का ट्रांसफर निरस्त कराने के लिए स्कूल गेट पर ताला लगा दिया और गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। दरअसल स्कूल से 3 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने इसका विरोध करते हुए ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल के गणित के शिक्षक रविन्द्र राउत, कॉमर्स की मोनिका राठौर और संतोष जाट का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल में टीचरों का ट्रांसफर होने से पढ़ाई प्रभावित होगी, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का टूटा रहता है। ये हमारे 3 टीचरों का यहाँ पर स्थानांतरण हो गया है, तो 2 टीचर ने तो रिलीविंग ले ली है, 1 टीचर का रिलीविंग बाकी है। तो बच्चों के चाहिए थे टीचर है, मैथ के और फिजिक्स के टीचर है, तो बच्चे उसका विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे सर। पता चला कि बच्चों ने ताला लगा दिया, हमने DPC साहब को DO साहब को फोन लगाया। धरने की जानकारी मिलते ही DPC RS तिवारी, ADP महाजन, विकासखंड समन्वयक गीता राठौर ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को समझाइश दी। DPC द्वारा बच्चों को लिखित रूप से शिक्षक का ट्रांसफर न करने का आदेश दिया गया, उसके बाद स्कूल का ताला खोला गया एवं बच्चों की मांग के अनुरूप संकुल प्राचार्य को शिक्षकों को रिलीव न करने के आदेश दिए गए। स्कूल मगरधा एक शिक्षक का स्वेच्छा से ट्रांसफर हो गया है
यद्यपि उस स्कूल में शिक्षकों की काफ़ी कमी है और इसी वजह से बच्चे अचानक परेशान हो गए, तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने बच्चों को समझाया कि जो समस्या लेकर आप आए थे उस समस्या का निदान उसी दिन कर दिया गया था। हमने बच्चों को लिखित में दे दिया कि शिक्षक को हम कारमुक्त नहीं करेंगे जब तक कि कोई दूसरे शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती। बुंदेलखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। एशिया का बड़ा डायमंड प्रोजेक्ट बक्सवाह इलाके में स्थित हीरा खदान पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रोजेक्ट शुरू होने से यह क्षेत्र ग्लोबल सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। देश की 6 नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छतरपुर के बक्सवा इलाके में हीरा खदान बंदर डायमंड्स माइंस का निरीक्षण किया और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। खदानों की नीलामी के पूर्व आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, वेदांता, रूमटा, एसएल, क्यूरा जैसी कंपनियों ने बक्सवा पहुंचकर बंदर प्रोजेक्ट की जानकारी जुटाई। इससे पूर्व कंपनियों ने यहां से निकले हीरे का पन्ना में अवलोकन किया और फिर प्रोजेक्ट और फील्ड को देखने गए। बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए विचार करने के लिए आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो माइनिंग एरिया है ये फॉरेस्ट के अंदर आता है और जब इसकी एनओसी जारी होगी तो फॉरेस्ट को कैसे कहीं और लगाना है और इसके जो वन्य प्राणी जो इससे अफेक्ट होंगे उनके लिए क्या नए रास्ते निकालने हैं उस पर पूरी चर्चा करके और फिर इस प्रोजेक्ट के टर्म्स कंडीशन को देखते हुए इसको स्वीकृति दी जाएगी। ये डायमंड इसके अलावा कहीं नहीं है, जंगल और भी जगह है, तो उसके लिए कंपनसेटरी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इसके लिए समस्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वनों को पुनः लगा करके यहाँ पर उसको स्वीकृति दी जाएगी। डायमंड डिपॉजिट जो है उसकी ऑक्शनिंग की प्रीबिड के बाद एक इंस्पेक्शन टीम आई है जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें बिड करने के लिए, जो भी उनके इशूज हैं चाहे वो लैंड के रिलेटेड हों, चाहे फॉरेस्ट रिलेटेड हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट जो उनको अपना करना उससे रिलेटेड हों, चाहे वाटर सप्लाई से रिलेटेड हों, उन सब पर डिस्कशन हुआ है और उसमें जो भी उनके इशूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और होप करते हैं कि सूनर देन लेटर एक अच्छा ऑप्शन होगा और कोई क्लियर आएगा एंड देन ये इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट करेगी। डिपॉजिट ऑफ डायमंड इन द होल ऑफ एशिया, तो ये बड़ा डिपॉजिट है, ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट है और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्कआउट होता है तो उसके बाद छतरपुर वुड बी ग्लोबल सिटी। बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट की नीलामी की बोली 60,000 करोड़ से शुरू की जाएगी। यह प्रोजेक्ट एशिया का बड़ा डायमंड प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसके शुरू होने से छतरपुर ग्लोबल सिटी के रूप में पहचाना जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट के शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सचिव नरेंद्र सिंह परमार, कलेक्टर छतरपुर, डीएफओ छतरपुर सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। हमारे बिडर्स हैं क्योंकि 60,000 करोड़ से बोली शुरू है तो बिडर्स भी ये इंश्योर करना चाहेंगे कि वो इतना पैसा यहाँ लगाएं या ना लगाएं। उनने उनकी डिमांड पे हम लोगों ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। कल इन्होंने पन्ना में ये वो डायमंड देखा है जो यहाँ से निकला हुआ है और आज जो है इनने फील्ड देखा है और जो ROM रखा हुआ है वो देखा है ताकि उनको ये श्योरिटी हो जाए कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है और उनको यहाँ आना चाहिए। सरकार और प्रशासन को मृत घोषित कर विरोध प्रदर्शन करने का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल नर्मदा के सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों की समस्या नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन कर सरकार को मृत घोषित किया और मुंडन करवाया। बड़वानी में डूब प्रभावितों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। नर्मदा के सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में हो रही गांवों की हत्या के खिलाफ प्रभावितों ने कारण चौराहे पर प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन को मृत घोषित करते हुए गांव वालों ने सांकेतिक रूप से विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डूब क्षेत्र में आने से कई गांव उजड़ गए हैं, विस्थापितों की समस्या कोई सुन नहीं रहा है। डूब प्रभावित और विस्थापित लोगों ने सरकार को मृत घोषित कर दिया है और कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप मुंडन भी कराया। जैसे जो आज निर्णय लेने वाली है NCA नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो दिल्ली में एक निर्णय लेने वाली है उसके विरोध में कि NCA पूरा देखे स्थिति क्या है, क्योंकि बड़वानी मध्य प्रदेश के 192 गांव और एक नगर धर्मपुरी का जल समर्पण होने वाला है, जल हत्या करने वाली सरकारें हैं, तो क्या स्थिति हो गई, इसके विरोध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है क्योंकि आज 32,000 परिवारों को पुनर्वास करना बाकी है जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है। तो जो आज विरोध किया जा रहा है कि NCA पानी भरने का निर्णय ना लिया जाए और लोगों की जल हत्या ना किया जाए। रायपुर में पिज्जा हट का डिलीवरी बॉय गौरव लड़कियों से फीडबैक लेने के बहाने अश्लील मैसेज भेज रहा था। पिज्जा बॉय की इस करतूत का पता चलते ही उसकी जमकर पिटाई की गई। जानकारी के अनुसार मामला रायपुर स्टेशन रोड स्थित एक पिज्जा सेंटर का है, जहां कार्यरत डिलीवरी बॉय गौरव फीडबैक के नाम पर लड़कियों का मोबाइल नंबर लेने के बहाने उन्हें अश्लील मैसेज भेजा करता था।
अश्लील मैसेज करने की शिकायत पीड़ित लड़कियों ने अपने परिजनों से की थी। सच्चाई सामने आने पर लोगों ने डिलीवरी बॉय की तलाश कर उसकी जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर घटना की चारों तरफ चर्चा होने लगी। फिलहाल थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इधर पिज्जा हट चलाने वालों ने कहा है कि हमारे लिए अपने ग्राहकों की सुरक्षा और गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे सारे फ्रेंचाइजी इस पहलू के प्रति जागरूक हैं। हमारे फ्रेंचाइजी ने इस अफसोसजनक घटना के बारे में तत्काल कार्रवाई की और संबंधित स्टाफ सदस्य को अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया है। फ्रेंचाइजी की आंतरिक अनुशासन समिति इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इसकी जांच कर रही है और इस संबंध में जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के एक टाइगर ने सड़क के पास आकर एक गाय का शिकार किया तो दूसरी ओर पन्ना के ही एक तेंदुए ने अमानगंज के आसपास जम के उत्पात मचाया। दोनों ही घटनाओं में लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। पन्ना टाइगर रिजर्व के जानवर आसपास के इलाकों में निकल आते हैं। पन्ना के जरुआपुरा सड़क मार्ग पर अचानक एक बाघ सड़क पे आ गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक बाघ ने एक गाय का शिकार किया और उसे सड़क किनारे खींच कर ले जाने लगा। बाघ अपने काम में लगा था। सड़क से निकल रहे लोग उसका वीडियो बनाने लगे। कहा जाता है बाघ शिकार के समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे में अगर उसे जरा सी भी गड़बड़ी का अंदेशा होता है तो किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन लोग इस सबसे बेफिक्र बाघ का शिकार ले जाते हुए वीडियो बनाते रहे। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक तेंदुआ अमानगंज में आ गया। ये तेंदुआ कई जगह उत्पात मचाता हुआ इधर से उधर भागता फिरा और फिर पुराने बस स्टैंड के रेस्ट हाउस में घुस गया। तेंदुए के कारण अमानगंज में दहशत का माहौल है। पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी आए दिन जंगल से बाहर निकलकर बस्तियों तक आ जाते हैं। लोकायुक्त पुलिस ने एक घूसखोर पंचायत सचिव को 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंचायत सचिव स्वतंत्रता दिवस पर हुए कामों के बिल पास कराने के लिए रिश्वत ले रहा था। छतरपुर के ईशानगर में पंचायत सचिव को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सागर लोकायुक्त की टीम ने आज गिरफ्तार किया। ईशानगर पंचायत सचिव अशोक गोस्वामी ने सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र गुप्ता से 15 अगस्त पर मुरम और मिठाई के 70,000 रुपए के बिल पास करने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 30,000 में सौदा तय हो गया था। इसकी शिकायत पीड़िता ने सागर लोकायुक्त से कर दी। सागर लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर पंचायत कार्यालय के सामने पंचायत सचिव को 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सागर लोकायुक्त ने मामला दर्ज कर लिया है। आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। सचिव है अशोक गोस्वामी जी, जो आवेदक है महेंद्र गुप्ता, उनसे मुरुम जो डाली थी उन्होंने ट्रैक्टर की, उससे बिलों की राशि थी 1,00,000 रुपये, उनको निकालने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। उसको हमने तस्दीक किया, तस्दीक कर सही पाया और आज ट्रेप की कार्रवाई की गई और 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की। क्या है कि जो यहाँ ग्राम पंचायत ईशानगर में अशोक कुमार गोस्वामी जो सचिव पद पर पदस्थ थे जी, तो हमने अपने ट्रैक्टर से पंचायत की कार में मरम डाली थी और 15 अगस्त को हम एक दुकान से मीठा वगैरह गया था, नाश्ता का सामान, तो उसका पेमेंट रुकवाना था। तो उस पेमेंट की एवज में करीब 70-80,000 की बिल थी, तो 40,000 रुपया ये रिश्वत मांग रहे थे, तो 30,000 रुपया में बात हुई थी, तो आज 25,000 रुपया हाथों से पकड़े गए हमारे यहाँ। कोबरा का फोटो ले रहा फोटोग्राफर उस समय हैरत में पड़ गया जब कोबरा उसके कैमरे से लिपट गया। कोबरा की इस हरकत को हर कोई अचरज भरी नजरों से देखता रहा। ये वाकया सागर का है। सांप का नाम सुनते ही कपकपी से छूट जाती है। सांप भी अगर कोबरा और वो भी ब्लैक कोबरा हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सागर के तालाब किनारे की एक कॉलोनी की, जहाँ एक कोबरा निकला। फोटोग्राफर शशांक तिवारी भी कोबरा का फोटो लेने पहुंचे। शशांक ने फर्श पर अपना कैमरा रखा ही था कि नाग महाराज आकर कैमरे से लिपट गए। हर कोई कोबरा के इस कैमरा प्रेम से हैरत में था। इसके बाद सर्फ विशेषज्ञ अखिल बाबा ने आकर कोबरा को पकड़ा, तब जाकर फोटोग्राफर को उनका कैमरा वापस मिला। कोबरा वहां से निकला है, वो कैमरा फ्रेंडली जा रहा था। मैंने अपना DSLR कैमरा उसके पास रख दिया और वो अपने आराम से फोटो शूट करवाने में मस्त हो गया। उसे देख अखिल बाबा भी दम रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कोबरा को पकड़ के सुरक्षित वो अपने साथ ले गए। स्वतंत्रता दिवस पर गांव के सरपंच से ध्वजारोहण न कराए जाने से नाराज सरपंच ने स्कूल के छात्रों के सामने हेडमास्टर सहित शिक्षक के साथ गाली गलौज कर बेरहमी से पिटाई कर दी। सरपंच की खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया। इसमें पुलिस का लापरवाह रवैया सामने आया है। शिकायत के 5 दिन बाद भी पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक सरपंच को ध्वजारोहण और देशभक्ति का इतना शौक चढ़ा कि स्कूल में ध्वजारोहण के लिए न बुलाए जाने पर वो गुंडागर्दी पर उतर आया।
सरपंच और उसके परिवार ने हेडमास्टर और शिक्षकों की स्कूल के अंदर छात्रों के सामने बेरहमी से पिटाई की। मामला सागर के बीना स्थित सिर चौपी गांव के मिडिल स्कूल का है, जहां सरपंच थान सिंह ने स्कूली बच्चों के सामने हेडमास्टर सीएम मंसूरी सहित शिक्षक अरविंद सिंह से गाली गलौज की और उसके बाद बेरहमी से उनको मारा। सरपंच यही नहीं रुका, उसने स्कूल के शिक्षक अरविंद ठाकुर को जान से मारने की धमकी दे डाली। हम लोगों ने ध्वजारोहण कराया, उस समय प्रांगण में कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही प्रांगण में हम लोगों ने ध्वजारोहण करा के अपने भवन के अंदर बच्चों से राष्ट्रगान वगैरह कराया, इसी बीच सरपंच थान सिंह आए, उनके बेटे दो भतीजे और कुछ भाई थे, उनके समर्थक लोग भी थे, और उनने हम लोगों के साथ कोई भी कुछ ना सुनते मारपीट गाली गलौज झगड़ा, आपने झंडा चढ़ाया कैसा मुसल्ला, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद पुलिस भी आई, उनने अपनी सुरक्षा में बाहर निकलवाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो लगातार रोज स्कूल आ रहे हैं, हम लोगों की एब्सेंट लगा रहे हैं और हम लोग भयभीत हैं। ध्वजारोहण के बाद हमारे गांव के सरपंच श्री स्थान सिंह ठाकुर द्वारा हम लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट एवं गाली गलौज माँ बहन की गाली दी गई रक्षाबंधन के त्यौहार पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इस टाइप की अगर शिक्षकों के साथ अभद्रता होगी तो शिक्षक स्कूल में पढ़ाएंगे क्या? शिकायत की सर कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की और हम लोग 3-4 दिन घर बैठे रहे कि कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। सरपंच की दबंगई इतनी है कि पुलिस भी उससे डरती है। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। शिक्षकों द्वारा पुलिस को भी बुलाया गया, SDOP को आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस की क्या मजाल के सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर सके। स्कूल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस तो मनाया लेकिन सरपंच की गुंडागर्दी देखकर वो मासूम डरे सहमे नजर आए। सरपंच और उसके परिवार के द्वारा मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला मीडिया में आने के बाद अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जल्द सरपंच पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। रामगढ़ का है, रामगढ़ में सिर चौकी हमारे चौकी है और उसी पंचायत के टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं PN मंसूरी जी। 15 अगस्त को उन्होंने झंडा फहराया, उसके बाद उसी गांव के सरपंच उन्होंने आपके झंडा फहराने के लेकर कुछ विवाद किया, उनके साथ मारपीट करी है और घटना की गंभीरता देखते हुए इसमें हमने FIR कर ली है। मारपीट साथ में शासकीय कार्य की बाधा संबंधित संगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई करी है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की जयकारे के साथ जन्माष्टमी की धूम मची है। संत नगर के स्कूल में भी कृष्ण लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम हुए। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर मंदिरों में माहौल कृष्णमयी हो गया है। भोपाल के संत हिरदाराम नगर के स्कूलों में भी जन्माष्टमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साधु वासवानी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान कृष्ण और राधा के स्वरूप में तैयार होकर स्कूल पहुंचे और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। यहाँ शिक्षाविद विष्णु ज्ञानी ने अतिथियों का स्वागत किया, स्कूल के बच्चों को पुरस्कार दिए गए, सभी ने भगवान कृष्ण की जन्मदिवस की बधाई दी। इस मौके पर स्कूल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में करीब 200 से भी ज्यादा बच्चों ने भागीदारी जोड़ी है। उनको उनमें माँ बाप ने भी अपने बच्चों को कृष्ण भगवान के रूप में यहाँ लाए हैं और वो अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं, इस प्रकार के नृत्य किए जा रहे हैं। इसके पीछे भाव भावना यही है, हम अपनी संस्कृति अपने महापुरुषों को और अपनी जन्माष्टमी अपने त्योहारों को न भूलें, बच्चों में नई संस्कृति और नए संस्कार देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। डांसर सपना चौधरी इंदौर में TV एक्ट्रेस सारिका बहरोलिया के साथ डांस करती नजर आई। वे सारिका के TV सीरियल का प्रमोशन करने पहुंची थी। मशहूर डांसर सपना चौधरी गुरुवार को इंदौर पहुंची, जहां वे NTV पर शुरू होने जा रहे TV सीरियल गुड़िया हमारी सभी पे भारी के प्रमोशन के लिए आई थी। इस दौरान सपना ने शो की कलाकार सारिका बहरोलिया के साथ तेरी आँखों का ये काजल गाने पर जमकर डांस किया। डांस और मस्ती के बाद उन्होंने TV सीरियल के बारे में बात की और पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा, मैं कभी कांग्रेस में नहीं रही। कांग्रेस मैंने ज्वाइन नहीं करती थी, जो मैं कांग्रेस छोड़ के मोदी जी की खास बात आपको क्या लगती है? मेट्रो के बारे में बहुत सोचते हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncetu.ac.in.